हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम रेसिपी एकता। मैं हूँ एकता और आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे मॉम रेसिपी एकता पर। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, उबले आलू की टिक्की की रेसिपी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आलू टिक्की बनाने के लिए मैंने 2 से 3 आलू को अच्छी तरीके से उबाल के इसे छील लिया है। इसके बाद मैं इसे गोल गोल शेप में कट कर लूँगी। अब एक पैन में मैंने ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। इसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा डाला है और उबले हुए आलू के स्लाइसेस इस पर डाले हैं। आलू और जीरा का कॉम्बो वैसे भी बहुत ही मज़ेदार की और चटपटी बनती है। इसे मैं दोनों साइड से सुनहरा होने तक फ्राई करूंगी, जब तक इसमें गोल्डन कलर ना आ जाए। आलू सुनहरा होने के बाद मैं इसमें पिसी हुई लहसुन डालूंगी और इसे अच्छी तरीके से आलू में फैला लेंगे कुछ इस तरीके से। इसमें हम सभी मसाले डालेंगे, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काले मिर्च पाउडर, और इसे आलू पे अच्छी तरीके से फैला देंगे। और हल्दी पाउडर भी हम इसमें डालेंगे। सभी मसाले डाल लेने के बाद हम इसे पलट देंगे और मसाले को अच्छी तरीके से पकने देंगे 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पे। इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम इसे फिर से पलट देंगे और ढक के 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पे हम इसे पकाएंगे। चार से पाँच मिनट के बाद ये आलू हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। इसके बाद हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसके इसे रोटी के साथ, दाल चावल के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार के लगते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।